वेलकम स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है बोल जानो विस्ट्रास थेरम बोल विस्ट्रास फॉर सेट्स और ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है रियल एनालिसिस में रियल लाइन टोपोलॉजी में भी ये थ्योरम है तो इस थीरम को प्रूव करने के आपको डिफरेंट मेथड्स मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर भी तो आज हम कोशिश करेंगे कि इसको एक आसान मेथड से प्रूव करें तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा अगर आप इस थ्योरम को सही से समझना चाह रहे हैं थ्योरम की स्टेटमेंट ऐसे है लेट ए बी अबाउंडेड इनफाइनाइट सबसेट ऑफ आर, देन ए एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट और एकेमोडेशन पॉइंट मीन्स के हर इनफाइनाइट और बाउंडेड सेट का कम से कम एक लिमिट पॉइंट होता है तो थ्योरम के प्रूफ में सबसे पहले हम एक इनफाइनाइट बाउंडेड सेट लेते हैं लेट ए बी एन इनफाइनाइट बाउंडेड सेट इनफाइनाइट बाउंडेड सेट और इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ आर सबसेट ऑफ आर अब चूंकि ए इनफाइनाइट भी है और बाउंडेड भी है तो बाउंडेड है तो मीन्स के ए का अपर बाउंड भी होगा और ए का लोअर बाउंड भी होगा या ए का लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी होगा लेट स्मॉल ए वन इज इक्वल टू लीस्ट पहले मैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लेता हूँ लेट

ए वन से बड़े हैं और बी वन से छोटे हैं विच एम्प्लाइज ए वन इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू बी वन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन के सेट ए के सारे एलिमेंट्स ए वन से बड़े हैं और बी वन से छोटे हैं क्योंकि सेट ए बाउंडेड है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं विच एम्प्लाइज सेट ए इज सेट ऑफ क्लोज इंटरवल ए वन बी वन अब चुके स्टूडेंट्स सेट ए में इनफाइनाइट्स एलिमेंट्स हैं और ए जो है क्लोज इंटरवल ए वन बी वन का सबसेट है क्योंकि सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं तो इस समय ये है कि जो क्लोज़ इंटरवल है ए वन बी वन ए वन बी वन ये इस सेट के इनफाइनाइट एलिमेंट्स को कंटेन करता है विच एम्पलाइज क्रोजन टर्वल ए वन बी वन कंटेन्स कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ ए और एलिमेंट्स ऑफ ए नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ ए अच्छा अब स्टूडेंट क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है और ये सेट ए के इनफाइनाइट्स पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है तो अगर मैं इसको बाइसेकट करूं, इस इंटरवल को दो सब इंटरवल्स में तो इसको बाइसेक्ट किया जा सकता है इसके मिड पॉइंट के ऊपर तो इसका मिड पॉइंट क्या बनेगा ए वन प्लस बी वन अपॉन टू तो हम इस इंटरवल को दो इंटरवल में क्या करते हैं बाईसेक्ट करते हैं नाउ वी बाई a1 ए वन बी वन एंड टू टू सब इंटरवल्स टू सब इंटरवल्स और जब बाई करेंगे तो एक जो इंटरवल है मीन्स के हमारे पास दो दो इंटरवल्स आ जाएंगे एक पॉइंट आ जाएगा ए वन और फिर ए वन प्लस बी वन अपॉइंट टू ये हमारे पास एक सब इंटरवल आ जाएगा और दूसरा सब इंटरवल जो है वो बनेगा ए वन प्लस बी वन अपॉन्ट टू बी वन तो ये हमारे पास दो सब इंटरवल आ गए हैं इसको मैं इक्वेशन नंबर वन का नाम दे रहा हूँ अच्छा हमने स्टार्ट दिया था इस इंटरवल से तो इस इंटरवल को मैं आई वन का नाम देता हूँ आई वन इज इक्वल टू ए वन बी वन अब हमने इसको बाइसेक्ट किया और यहाँ से हमने दो सब इंटरवल्स फाइंड कर लिए अब चूंकि ये जो सेट है क्लोज इंटरवल ए वन बी वन ये इस सेट के सेट ए के इनफाइनाइट एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है तो इस मुराद ये होगा कि ये जो दो हमने सब इंटरवल्स बनाए हैं इन में से कम से कम एक सेट ऐसा ज़रूर होगा जिसमें सेट ए के इनफाइनाइट एलिमेंट्स मौजूद होंगे क्योंकि अगर इन दोनों में फाइनाइट एलिमेंट्स आ जाएं इन दोनों के एलिमेंट्स फ़ाइनाइट हो तो इस मुराद यह है कि इस इंटरवल में भी फाइनाइट्स हैं लेकिन क्योंकि इसमें इनफाइनाइट हैं, तो इसमें है इन दोनों में से कम से कम एक सेट ऐसा होगा जिसमें सेट ए के इनफाइनाइट एलिमेंट कंटेन करेंगे विच एम्प्लाइज वन ऑफ इंटरवल एट लीस्ट वन ऑफ इंटरवल इसको मैं ऐसे लिखता विच एम्प्लाइज दोनों भी इनफाइनाइट हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक one of sub interval one of sub interval and in equation one interval and in equation one contains contains infinite points of infinite points of A points of A इन में से एक इंटरवल ऐसा होगा जो कि एक इनफाइनाइट पॉइंट्स को कंटेन करेगा ठीक है और उसको हम से जो इंटरवल होगा उसको मैं I2 का नाम देता हूँ से I2 टू इक्वल टू अब ये होगा या ये वाला होगा ठीक है तो उसको मैं नाम दे रहा हूँ A2 B2 का A2 और B2 ये हमारे पास एक इन दोनों में से कोई इंटरवल है नाम इसको दे दिया है ए टू और बी टू अब फिर हम इसी तरीके से इसको बाइसेक्ट करते हैं हमने स्टार्ट लिया इस इंटरवल से इसको बाइसेक्ट किया अब मैं इसको दोबारा से बाइसेक्ट कर रहा हूँ जो नया हमारे पास इंटरवल आ गया इसको बाइसेक्ट कर रहा हूँ नाउ वी अगेन बाइसे नाउ वी बाई आई टू इक्वल टू जिसमें इंटरवल है हमारे पास ए टू एंड बी टू एंड टू टू सब इंटरवल्स एंड टू टू सब इंटरवल्स और ये जो सब इंटरवल्स अब हमारे पास आएंगे जब बाई करेंगे तो मिड पॉइंट बनेगा ए टू प्लस बी टू बाई टू तो हमारे पास जो दो सब इंटरवल बनेंगे उसमें पहला सब इंटरवल रहेगा ए टू एंड ए टू प्लस बी upon 2 a फर्स्ट इंटरवल और second a2 टू प्लस बी टू अपन टू तो ये हमारे पास दो सब इंटरवल्स बनेंगे अब चूंकि अगेन I2 जो है ये इस सेट A के इनफाइनाइट हाइट को कंटेन कर रहा है जब हम इसको बाईसेक्ट करेंगे तो अगेन इन दोनों में से एटलीस्ट वन एक ऐसा सब इंटरवल होगा जो सेट ए के इनफाइनाइट पॉइंट को कंटेन करेगा क्योंकि आई टू में सेट ए के इनफाइनाइट पॉइंट मौजूद हैं विच एम्प्लाइज एटलीस्ट वन ऑफ अगेन उसी स्टेटमेंट को रिपीट करती हूँ ऊपर वाली स्टेटमेंट को एटलीस्ट वन ऑफ इंटरवल इसको मैं इक्वेशन वन का नाम दे रहा हूँ इक्वेशन टू का एटलीस्ट वन ऐट वन एट लीस्ट इंटरवल एंड टू इंटरवल एंड इक्वेशन टू कंटेन्स इन फाइनाइट पॉइंट्स एनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ ए नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ ए तो इनमें से जो भी होगा उसको हम नाम दे रहे हैं से इन दोनों में से जो भी इन पॉइंट्स को कंटेन करेगा उसको हम आई थ्री का नाम दे रहे हैं आई थ्री इज इक्वल टू ए थ्री बी थ्री अच्छा अब स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट लिया था आई वन से उसको बाइसेक्ट किया फिर वहां से हमने आई टू बनाया फिर इसको भी बाइसेकट किया और आई थ्री तो इन सब इंटरवल्स में आई वन आई टू आई थ्री में सेट ए के इनफाइनाइट पॉइंट कंटेन कर रहे हैं तो यहां से हम एक सीक्वेंस ऑफ सब इंटरवल फाइंड कर रहे हैं मीन्स कि हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ सब इंटरवल आ रहा है नाउ वी हैव, वी हैव अ सीक्वेंस ऑफ सब इंटरवल सीक्वेंस ऑफ सब इंटरवल्स और ये सीक्वेंस क्या बन जाएगा हमने स्टार्ट लिया सबसे पहले आई वन से आई वन को बाइसेक्ट किया और वहाँ से हमने दो सब इंटरवल्स बनाए और उसमें से एक को हमने नाम दे दिया आई टू का मीन्स के आई वन सुपर सेट है आई टू का आई टू सुपर सेट है आई थ्री का इसी तरीके से आई थ्री सुपर सेट होगा आई फोर का और ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यू करेगा तो हम यहाँ से हमने एक सीक्वेंस ऑफ सब इंटरवल फाइंड कर लिया अच्छा अब स्टूडेंट ये जो सीक्वेंस ऑफ सब इंटरवल हम फाइंड कर रहे हैं हमने स्टार्ट लिया एक इंटरवल से ये हमारा सपोज आई वन है फिर हमने आई टू जो फाइंड किया वो इसी के अंदर कंटेन कर रहा है आई टू फिर इसी तरीके से आई थ्री जो है वो आई टू के अंदर कंटेन कर रहा है अब टू तो सो ऑन जब इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करेंगे तो हम ये देख रहे हैं कि जो इंटरवल्स हैं सब इंटरवल्स हैं उनकी लेंथ कम होती जा रही है तो जब किसी इंटरवल की लेंथ कम होगी कम होते होते इनफिनिटी के ऊपर जाके ये जो इंटरवल्स हैं इन इंटरवल में ये इंटरवल श्रिंक होकर एक पॉइंट बन जाएगा इंटरवल श्रिंक होके एक पॉइंट बन जाएगा और उस पॉइंट को हम पी का नाम दे रहे हैं और असल में हमने यही प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट पी हमारे पास आ है ये पॉइंट लिमिट पॉइंट होगा नाउ बाय नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टीज बाय इंटरवल प्रॉपर्टी नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी अब नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी यही है कि ये जो सब इंटरवल्स हमारे पास आ रहे हैं आई वन उसका सबसेट है आई टू क्योंकि ये नेस्टेड इंटरवल्स एक इंटरवल के अंदर दूसरा इंटरवल तो ये इंटरवल्स का एक नेस्ट बन रहा है तो इन सब इंटरवल्स में कम से कम एट पॉइंट जो है वो कामन होगा ठीक है बाई नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी देर एग्जिस्ट अ पॉइंट पी बिलोंग्स टू आई एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचर मीन के जो आई एन है ये इन सब सब इंटरवल्स में मौजूद होगा अब हम ये प्रूव करते हैं कि असल में ये जो पॉइंट पी है ये इस सेट ए का लिमिट पॉइंट होगा नाउ वी प्रूव दैट नाउ वी प्रूव दैट ए पॉइंट पी इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए इजम यहाँ पे स्टूडेंट एक और बात याद रखें कि क्योंकि जब ये आई वन जो है ये सुपर सेट है आई टू का और आई टू सुपर सेट है आई थ्री का तो जो जो इसका इंडेक्स बढ़ता जा रहा है तो ये जो सब इंटरवल्स हैं जो इंटरवल्स हैं इनकी लेंथ कम होती जा रही है मींस के लिमिट हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब हम इनफाइनाइट इंटरवल्स बना रहे हैं वन लिमिट एन अप्रोच टू तो इनफिनिटी तो आई एन जो इंटरवल है उसकी लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी के जब ये इंटरवल्स इनफाइनाइट हो जाएंगे तो इनकी वैल्यूज कम होते होते लेंथ कम होते होते ज़ीरो बन जाएगी तो अब हमने ये प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट पी है ये, ये असल में लिमिट पॉइंट है सेट ए का जब किसी पॉइंट को लिमिट पॉइंट प्रूव किया जाता है तो उसके लिए सबसे पहले हम ये प्रूव करते हैं कि उस पॉइंट के नेबरहुड में मीन के ए इंटरसेक्शन नेबरहुड ऑफ पी माइनस पी इज़ नॉट इक्वल टू फाइव अगर हमने पी को लिमिट पॉइंट प्रूव करना है तो मीन के पी के हर नेबरहुड में सेट ए के इनफाइनइट्स पॉइंट मौजूद हूँ या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास अगर कोई भी ओपन सेट है ओ जो कि पी को कंटेन कर रहा है वो इस सेट ए के इनफाइनाइट पॉइंट्स को कंटेन करेगा मींस के ए इंटरसेक्शन सेक्शन ओ पी माइनस पी और ये पी पॉइंट हम निकाल भी लें तो ये हमेशा के लिए क्या होना चाहिए नॉन एम होना चाहिए फॉर ऑल ओपन सेट्स पी तो इसके लिए हम ये कर रहे हैं कि सबसे पहले एक ओपन सेट हम लेते हैं लेट ओ पी इज इक्वल टू ओपन सेट ए ये एक ओपन सेट है जो कि पॉइंट पी को कंटेन कर रहा है के ये हाँ पे हमारे पास एक पॉइंट पी है और यह पॉइंट पी किसी ओपन सेट में कंटेन कर रहा है ए बी विच इज इक्वल टू ओ पी अब हमने यह प्रूव करना है कि यह जो ओपन सेट है ये ए के इनफाइनाइट पॉइंट्स को कंटेन कर रहे हैं अब हम स्टूडेंट, चूँकि पी पॉइंट्स के गर्द हमारे पास डिफरेंट सब इंटरवल्स आई वन आई टू अपन आई एन सारे जो हैं ये सब इंटरवल्स पी को कंटेन कर रहे हैं तो यहाँ पे पी के गर्द हमारे पास एक सब इंटरवल्स ऐसा मौजूद होगा जिसको हम नाम दे देते हैं सपोज़ आई एन नॉट ये एक ऐसा सब इंटरवल्स होगा जो पी के पी को कंटेन करेगा और आई एन नाट की लेंथ हम ऐसे लेते हैं कि असल में हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि आई एन नाट क्योंकि ये तमाम इंटरवल जो हैं ये पी इस सेट ए के इनफाइनाइट पॉइंट को कंटेन कर रहे हैं तो हम ये प्रूव करेंगे कि करें। आई एन नाट भी इनफाइनाइट पॉइंट्स को कंटेन करेगा और आई एन नाट चूँकि इस ओ पी में कंटेन कर रहा है तो फिर ओ पी बी सेट के इनफाइनाइट पॉइंट को कंटेन करेगा तो आई एन नाट जो है आई एन नाट का जो मैग्नीट्यूड है वो हम ऐसे लेते हैं मीन्स uh, कि इसकी जो लेंथ है आई एन नाट इंटरवल्स की आई एन नाट लेंथ ऑफ आई एन नाट इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ हम इन दोनों में से मिनिमम डिस्टेंस लेते हैं पी बी डिस्टेंस और पी ए डिस्टेंस मीन्स मिनिमम ऑफ बी माइनस पी एंड पी माइनस ए जब हम इतना इतनी इसकी लेंथ लेंगे मिनिमम ऑफ पी माइनस ए पी माइनस बी तो कभी भी ये जो सब इंटरवल है ये ए बी से बाहर नहीं जाएगा अब चूंकि ये सारे जो सब इंटरवल्स हैं आई एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन नेचुरल नंबर ये सारे इंटरवल जो हैं ये सेट ए के इनफाइनाइट पॉइंट को कंटेन कर रहे हैं तो यहाँ पे आई एन नॉट क्या है लोंग्स टू नेचुर नंबर तो चूंकि ये सारे इंटरवल जो हैं ये ये सेट के इनफाइनाइट्स पॉइंट को कंटेन कर रहे हैं तो इससे मराज यह है कि आई एन नॉट बी सेट एक के इनफाइनाइट्स पॉइंट को कंटेन करेगा विच एम्प्लाइज ऐसे देखते हैं एज एज आई एन नॉट कंटेंस कंटेंस इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ एनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ ए ऑफ पॉइंट ऑफ सेट ए तो इससे मुराद ये है कि जब हम ए का इंटरसेक्शन लेते हैं ए इंटरसेक्शन आई एन नाट ये किसके इक्वल होगा ये इनफाइनाइट होगा इनफाइनाइट और A intersection I एन not अगर इसमें से हम ये पॉइंट P पॉइंट निकाल भी लें तो ये क्या होगा ये फिर भी इनफाइनाइट ही रहेगा इनफाइनाइट ही रहेगा तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं विच एम्प्लाइज ए इंटरसेक्शन आई एन नॉट माइनस पी माइनस पी इज नॉट इक्वल टू फाइव इज नॉट इक्वल टू फाइव फॉर ऑल फॉर ऑल एन नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल अच्छा हमने ये अगर ना भी लिखे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जो है इनका मीन्स के आई एन नॉट के नेबरहुड में ही सेट के इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे। अगर आई एन नाट के नेबरहुड में सब के इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे, तो मीन्स कि ए बी तो इसका सुपर सेट है आई एन नॉट का तो ए बी के नेबरहुड में भी सेट के इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे तो यहाँ से हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास जो ओपन सेट है ओ पी जो कि ए बी के इक्वल है इंटरसेक्शन आई एन नाट माइनस पी ये भी नॉट इक्वल टू फाइव रहेगा आप कोई भी ओपन सेट चूज कर लें तो इसमें सेट के एन फाइव पॉइंट मौजूद होंगे तो यहां से हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्टूडेंट्स ये जो आ, यहां पे ओ पी इंटरसेक्शन आई एन नॉट है इसकी जगह क्योंकि आई एन नॉट की जगह मैंने ओ पी हमें लेना है तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा एक स्टेप में के यहाँ से नेक्स्ट स्टेप ऐसे आएगा विच एम्प्लाइज ए इंटरसेक्शन ओ पी माइनस पी इज नॉट इक्वल टू फाइव माइनस पी इज़ नॉट इक्वल टू फाइव उसकी रीज़न ये है कि आई एन नाट जो है जो इंटरवल है ये ओ पी का सबसेट है आई एन नाट इज सबसेट ऑफ ओ पी ये क्लियरली आप यहाँ से इसको देख भी सकते हैं कि ये हमारे पास पूरा सेट है ओ पी ए बी ओपन इंटरवल ए बी के है और आई एन नाट जो है इसका एक सबसेट है तो इससे मुराद ये है कि पी जो है वो क्योंकि पी हमने यहाँ पे एक ऑर्बिटरी ओपन सेट लिया है पी के गर्द तो इस सम ये है कि हर ओपन सेट जो है वो जो कि पी को कंटेन करेगा वो सेट ए के इनफाइनाइट पॉइंट्स को कंटेन करेगा तो इस समय ये है कि जो पॉइंट पी है ये ए का लिमिट पॉइंट है विच इंप्लाइज पी इज़ लिमिट पॉइंट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ ए तो हमारा जो थ्योरम है वो प्रूव हो गया है विच हैंड प्रूफ हेंस प्रूफ के हर इनफाइनाइट बाउंडेड सेट जो है उसका एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट जरूर होगा स्टूडेंट आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा अगर ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच